और मुझे लगा हम लोगों का ये फर्ज है, आप लोगों ने इतना भारी बहुमत देके आम आदमी पार्टी को जिता के भेजा, हम लोगों का ये फर्ज है कि हम आप लोगों को बताएं कि 100 दिनों के अंदर हम लोगों ने क्या क्या आप लोगों के लिए काम किया। वैसे तो जितना काम किया हम लोगों ने वो सारा काम आप लोग महसूस कर ही रहे हो। मैं जहां भी जाता हूं ट्रैफिक लाइट पे गाड़ी रुकती है, बगल में जो गाड़ी खड़ी हो वो मेरे को देखता है, शीशा नीचे करके सबसे पहला काम कहता है जी बिजली का बिल आ गया, कम हो गया मेरा बिजली का बिल। तो पूरी दिल्ली के अंदर लोग महसूस तो कर रहे हैं कि जब से आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है बहुत सारे काम हुए हैं। तो अभी मैं 2-3 मिनट बोलूंगा, उसके बाद हमारे एक एक मंत्री अपने काम की व्याख्या देंगे और उसके बाद मैं फिर आराम से आप लोगों से बातचीत करूंगा। लेकिन अपनी बात शुरू करने के पहले मैं आप लोगों को आज एक बहुत बड़ा हाईकोर्ट का जजमेंट आया है उसके लिए मैं बधाई देना चाहता हूं। आज से 40 साल पहले दिल्ली के अंदर एक एंटी करप्शन ब्रांच बनी थी, भ्रष्टाचार निरोधक शाखा। 40 साल पहले उस एंटी करप्शन ब्रांच का जुरिस्डिक्शन था कि पूरी दिल्ली के अंदर कहीं कोई भी अधिकारी अगर भ्रष्टाचार करे, चाहे वो केंद्र सरकार का हो, चाहे वो डीडीए का हो, चाहे वो पुलिस का हो, चाहे वो एमसीडी का हो, चाहे वो दिल्ली सरकार का हो, किसी भी सरकार का, दिल्ली के अंदर कोई भी अधिकारी अगर भ्रष्टाचार करेगा तो ये एंटी करप्शन ब्रांच उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकती थी। 40 साल तक ये जारी रहा। पिछले साल जब हमारी 49 दिन की सरकार बनी तो हम लोगों ने इस देश के एक बहुत बड़े आदमी के खिलाफ केस कर दिया। किसके खिलाफ किया था? मुकेश अंबानी, उनके खिलाफ हमने केस कर दिया। और जब हमारी 49 दिन की सरकार गई तो केंद्र सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने, गृह मंत्रालय ने ऑर्डर जारी करके ये कह दिया भाई अब दिल्ली की एंटी करप्शन ब्रांच केवल दिल्ली के कर्मचारियों के भ्रष्टाचार को देखेगी, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के भ्रष्टाचार को नहीं देखेगी, पुलिस के भ्रष्टाचार को नहीं देखेगी, एनडीएमसी के भ्रष्टाचार को नहीं देखेगी। आज दिल्ली हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि केंद्र सरकार को और गृह मंत्रालय को एंटी करप्शन ब्रांच, दिल्ली की जो एंटी करप्शन ब्रांच है उसके मामले में दखल अंदाजी देने का कोई अधिकार नहीं है। तो दोस्तों ये मजबूती मिली हमको, बहुत बड़ी मजबूती मिली है। ये सारे पीछे पड़े हुए हमारे, आप लोग देख ही रहे होंगे, ये सारे पीछे पड़े हुए हैं। लेकिन जैसा मैं बार बार कहता हूं, जब आप सच्चाई के रास्ते पे चलते हो तो इस कायनात की सारी शक्तियां आपकी मदद करती हैं, इस यूनिवर्स की सारी अच्छी शक्तियां आपकी मदद करती हैं, ऊपर वाला आपकी मदद करता है। आज सवेरे मेरे घर एक बहुत बड़े वकील आए थे, उन्होंने कहा अरविंद जी आपकी 67 सीट आई, ये 67 सीट कोई इंसानी उसमें नहीं आ सकती, इंसानी ताकत से नहीं आ सकती, ये जरूर ऊपर वाले की ताकत है जिसकी वजह से, ये ऊपर वाले का करिश्मा है जिसकी वजह से 67 सीट आई। तो उन्होंने कहा कि अगर भगवान आपके साथ है तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, ये जितने आपके खिलाफ हैं एक ना एक दिन ये सारे ध्वस्त हो जाएंगे, अपने आप धीरे धीरे ध्वस्त होते जाएंगे। एक अंग्रेजी में कहावत है, When the God is with you, then you don't have to worry who is against you. फिर आपको चिंता करने की क्या जरूरत है कि आपके खिलाफ कौन कौन लोग खड़े हैं। तो दोस्तों हम पूरी ताकत के साथ, आज हमारे सारे मंत्री यहां पे हैं, हमारे सारे विधायक यहां पे बैठे हुए हैं आप लोगों के बीच में, और मुझे बड़ी खुशी हो रही है
अपने विधायकों को और अपने मंत्रियों को आपके सामने प्रस्तुत करने में इन्होंने जी जान से काम किया है, 24 घंटे मेहनत करके काम किया है। और अभी जब आप उनके काम के बारे में सुनेंगे तो आप लोगों को भी लगेगा कि मुझे नहीं लगता भारत के इतिहास में कोई ऐसी सरकार आई थी जिसने पहले 100 दिन के अंदर इतना काम करके दिखाया हो। मोटे मोटे तौर पे हमारी सरकार के 11 फोकस पॉइंट हैं, 11 मुद्दों के ऊपर हम सबसे ज्यादा काम कर रहे हैं। वैसे तो बहुत सारी चीजों पे, वो 11 बिंदु हैं: बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सुरक्षा, जेजे कॉलोनी, झुग्गी झोपड़ी कॉलोनी, अनऑथराइज्ड कॉलोनी, एंटी करप्शन, ट्रैफिक, पॉल्यूशन और महंगाई। ये 11 पॉइंट हमारे सबसे फोकस एरिया हैं। अब मैं एक एक मंत्री हमारे आएंगे आपके सामने और उनके बाद अंत में एक बारी फिर मैं आपसे बातचीत करूंगा, फिर आपके प्रश्नों पे बातचीत होगी। लेकिन एक चीज है, आपके जितने भी सुझाव हों, आज समय की कमी के कारण जितने लोग आप यहां बैठे हैं इससे 10 गुने लोग बाहर भी खड़े हैं, अभी मैं आया था, आपके जितने भी प्रश्न है जी, जितने सुझाव हैं, प्रश्नों से ज्यादा आप सुझाव भी दीजिएगा। आज समय की कमी के कारण हम 10-15 प्रश्न ही ले पाएंगे, लेकिन आपके सारे प्रश्न और सारे सुझाव सरकार में जाएंगे और एक एक सुझाव के ऊपर कार्रवाई की जाएगी।